अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मजार, आप देख रहे हैं एसएसए के। अरे तुम भी आ गए सर, हिंदी 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 सर। एमडी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए अफिडेविट और पूरा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ अपियर होने के लिए ऑर्डर दिए, इसके वजह आज टीएसआरटीसी एमडी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए, उनका खुद का अफिडेविट भी डाले। ये जो अफिडेविट टीएसआरटीसी एमडी ने डाले, ये जो इन्फॉर्मेशन दिए इन्हों कोर्ट को अफिडेविट में, ये जो बयान में बयान करके, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस क्या तो इन्फॉर्मेशन दिए, इसके खिलाफ है। इसके दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है। ये जो डिनोमिनेशंस पूरा गलत है, उसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। बीइंग द एमडी ऑफ टीएसआरटीसी कॉरपोरेशन, ही इज़ द पर्सन टू अवेल द इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। इन वाट वे द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर issued the whatever the information on the floor of house is to be examined, and the court shown his court anger on the person who filed the affidavit with false and fabricated information and trying to mislead the court is obviously a mistake by the IAS officer who take the charge of in charge MD of TSRTC, and court asked the respondent TSRTC MD to come with comprehensive information with regard to the whatever the announcement on the floor of house by the minister for TSRTC, and posted the matter for Thursday. आज कोर्ट में चले बात चले मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट तरफ से गवर्नमेंट से क्या क्या पैसा आने का है। आज अफिडेविट डालो बोले तो ये हमारे मैनेजमेंट गवर्नमेंट तरफ से नहीं, मैनेजमेंट तरफ से नहीं डाले, म्यूनसिपल ऑफिस तरफ से डाले। उतना ब्लंडर बंडर अफिडेविट डाले, जो जजों खुद बोले अब आर्टिस्ट तरफ से डाले, नहीं तो दूसरा डिपार्टमेंट तरफ से डाला बोल के। तीन IAS ऑफिसर कहीं को आजू बाजू बैठ के ये रिपोर्ट तैयार किया बोल के पूछा, एक रिपोर्ट भी सही नहीं है, एक पैसे भी नहीं दिया, पैसे नहीं है बोल के बोला, पैसे नहीं है बाकी नहीं सौंप दे दिया बोले तो फलाना बापत का पैसे आने का है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर बोले 1992 डेढ़ महीना हो रहा, डेढ़ महीने के पहले क्या बोले हमारे के गवर्नमेंट से पैसे आने का है 784 करोड़ और म्यूनसिपल एक्ट से 1492 करोड़ आना बोल के 2013 तक कंबाइंड APSRTC का कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 1090 करोड़ आने का है। वो पूरा पैसा तकरीबन 3,500-4,000 करोड़ तक पैसे आने का, ये पैसा दे तो आरटीसी लॉस में नहीं है, ये होना बोल के आरटीसी की लॉसेस बता के आरटीसी के बेचने के लिए हुकूमत तय कर रहे। वो आज ये आज हमारे लोग बोल रहे, कल भी आज भी एक आदमी सुसाइड कर लिया साधना डिपो के वाला, अब हॉस्पिटल को लेकर आ रहा। मेहरबानी करके कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना, अपन लड़ेंगे नहीं, कड़के लड़के अपन मैनेजमेंट से गवर्नमेंट से लड़ेंगे बोल के बोल रहा हूँ। किसी हाल किसी वक्त तो सुसाइड कर लेना, नहीं कर लेना बोल के बोल रहा हूँ। कोर्ट में मंडे बिल्कुल रहेगा, कल पूरा पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, कल हर एक डिपो में पूरा पॉलिटिकल पार्टी को लेके रैली निकालने का है। चलेगा वो लोग खुद उठ के चलेगा मीटिंग में से, आप लोग वीडियो देखे तो आप गवर्नमेंट वीडियो निकाले, वीडियो देखे तो मालूम होता। कल पूरा पॉलिटिकल पार्टी से बात करके एक डिसीजन लेते। मैं बोल रहा हूँ मेहरबानी करके लोगों को नहीं मरना, सफर नहीं होना, ट्रस्ट में नहीं जाना, जो भी है फाइनल जस्टिस अपन को मिलता। आज जज ने भी सब खुला बोल दिया है मैनेजमेंट को, तुम लोग होना बोल के गलती कर रहे, ये आरटीसी वर्करों को नुकसान पहुंचने में कर रहे, आरटीसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कर रहा बोल के हम बोल रहे। इस बात से वर्कर कोई भी डरना नहीं, सुसाइड तक नहीं जाना बोल के पूछो।